5 वर्ष जनता का विश्वास हासिल करके ये पूर्ण बहुमत की सरकार में आए थे। 5 वर्ष इन्होंने सरकार चलाई। प्रदेश में अराजकता और गुंडागर्दी का वातावरण रहा, पूरा प्रदेश लूटा और गुंडई की। और इसके बाद जब 5 वर्ष का हिसाब देने का समय आया पब्लिक को, इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देंगे अपने घोषणा पत्र में। उसके बाद इन्होंने कहा था कि नौजवानों को लैपटॉप देंगे। जो भी घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनमें से मुझे लगता है कि एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। 350 करोड़ रुपया इनका 1 वर्ष का बजट, लगभग मुझे मिलाकर कि 5 वर्ष का बजट इनका करीब 17,500 करोड़ हुआ, जहाँ तक मेरा आंकलन है। और उसमें इन्होंने केवल आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाई, मेट्रो का ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया। इन दो कामों के अलावा पूरा प्रदेश का 5 वर्ष का जो भी बजट इनका होता है, ये पब्लिक को हिसाब दें कि हमने विकास के क्या काम किए। इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया पूरे प्रदेश में। प्रदेश की जनता को बहुत परेशान किया, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिली, किसानों को पानी नहीं मिला, किसानों को बीज नहीं मिला। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने जो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा और ओलावृष्टि का दिया था, वो भी पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि 50% ही बटा और 50% लोग उस पैसे से भी वंचित रहे। जब 5 वर्ष बाद हिसाब देने का समय आया तो परिवार में आपस में झगड़ा करके और पब्लिक को गुमराह करके, चुनाव चिन्ह मुलायम सिंह के पास हो या अखिलेश के पास हो, ये मायने नहीं रखता है। दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं, पूरे परिवार का ड्रामा है। अब पब्लिक को गुमराह करने के लिए आयोग गए, चुनाव चिन्ह लिया और पुनः उसी गुंडागर्दी की सरकार बनाने के लिए पब्लिक के बीच में आएंगे। इनको 5 वर्ष का हिसाब देना चाहिए पब्लिक को, 5 वर्ष में इन्होंने क्या किया। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है और इनके किसी भी ड्रामे में फंसने वाली नहीं है। आने वाले समय में इनको ठीक से जवाब देगी। देखिए, बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्होंने तो भारत में वो इतिहास दोहराया है जिसको मैं कहना नहीं चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक जान रही है, क्योंकि जब पब्लिक समझ रही है, पब्लिक को तो मोदी में आज विश्वास है, पब्लिक तो मोदी चिल्ला रही है। पब्लिक को पता है कि ये मुलायम सिंह और अखिलेश दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे। 5 वर्ष सरकार चलाई, पूर्ण बहुमत की सरकार दी और जब हिसाब देने का वक्त आया तो लोगों को गुमराह करने लगे, झगड़ा करने लगे, आपस में चुनाव चिन्ह का बंटवारा करने लगे। पब्लिक को इससे क्या लेना देना, पब्लिक ने तो इनकी सरकार बनाई थी, पब्लिक तो पिछले 5 वर्ष का हिसाब मांगेगी ना। और वो हिसाब चुकाने का वक्त आया जब, तब लड़ाई झगड़ा करके लोगों को गुमराह करने लगे। ये इनका नाटक माना जाए या इसके पीछे कोई और भी सुनियोजित साजिश थी? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो इनकी खराब छवि थी इनकी सरकार को, सरकार की, उस छवि को छुपाने के लिए इन्होंने बहुत ही सोची समझी रणनीति से ये नाटक किया। और इस नाटक के बाद दोबारा फिर नए रूप में अखिलेश साइकिल चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच में आने का मन बना रहे। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि जनता बहुत चालाक है। पिछले 5 वर्षों का हिसाब जो इन्होंने पब्लिक को गुमराह किया, जो घोषणा पत्र में पब्लिक से वायदे किए और जो उत्तर प्रदेश में गुंडई की, उसका हिसाब पब्लिक लेगी। पब्लिक मानने वाली नहीं है। पब्लिक सब समझ रही है, ना पब्लिक उनको वोट देगी, ना वो उनको हराने लायक रहेंगे और ना वो उनको हराने लायक रहेंगे, क्योंकि पब्लिक इन दोनों में से किसी को भी वोट देने वाली नहीं है इस चुनाव में। पब्लिक समझ रही है कि इनका ड्रामा है, क्यों वोट देंगे, क्यों वो इनको हराएंगे। उनका आपस का जो भी था वो सामने आया। उन्होंने जनता के साथ जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। जनता को इससे क्या लेना देना है, तुम 2 पार्टियां बनाओ 4 पार्टियां बनाओ, आपस में झगड़ा करो। लोग इनको इस लायक ही नहीं रखेंगे कि ये एक दूसरे को हराए। लोग इनके साथ नहीं है, इनसे अलग हो गए हैं। इटावा मुलायम सिंह और अखिलेश का गृह जनपद है, तो इटावा में क्या लग रहा है, 5 साल में क्या विकास हुआ, क्या कैसा कुछ? देखिए, इटावा में अभी हम, आप मानिकपुर साइड की रोड देखें, आप सिंचाई के बम्बों की, नहरों की सफाई देखें, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। केवल बिजली जरूर इन्होंने इटावा को दी है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का हक मार के इन्होंने इटावा को दी है, या इन्होंने उसका उत्पादन बढ़वाने का प्रयास किया, कैसे इन्होंने बिजली दी ये तो यही जाने। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि इसके अलावा इटावा में इन्होंने कोई दूसरा ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग कहें कि मुलायम की सरकार थी और उन्होंने कुछ किया। केवल बेवकूफ़ बनाया इटावा को।